नमस्कार किसान साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ पिंक बर्ड स्टेज में होने वाली स्प्रे के बारे में। हम देख सकते हैं पिंक बर्ड आ चुका है। इस अवस्था में हम पिंक बर्ड स्प्रे करने वाले हैं। इस स्प्रे में मैं 3 प्रोडक्ट यूज करने वाला हूँ, NPK, बोरोन और एक फंगीसाइड बेविस्टिन। सबसे पहले बात करेंगे NPK के बारे में, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम। ये हमारे पौधे के लिए मुख्य पोषक तत्व है। हम इन पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये पौधों में कार्य करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन हमारे पौधों की पत्तियों में वृद्धि और पत्तियों में क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। उसके बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस हमारे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है, साथ में जड़ों में वृद्धि, फूल और फल बनाने में मदद करता है, साथ में रोगों से लड़ने में भी मदद करता है। उसके बाद आता है पोटाशियम। पोटाशियम हमारे पौधों में तनों में मजबूती और तेजी से बढ़ाने में मदद करता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में एक्सचेंज करता है। उसके बाद आता है बोरोन। बोरोन हमारे पौधों में परागण क्रिया को बढ़ावा देता है, साथ में फलों की प्रॉपर सेटिंग करवाता है और उसके बाद आता है बेविस्टिन। ये एक फंगीसाइड है जो कि फंगस और बैक्टीरियल बीमारी को कंट्रोल करता है। तो मैं आज अपने खेत में इन 3 प्रोडक्ट की स्प्रे करने वाला हूँ। आप इसके साथ जिंक भी ऐड कर सकते हो। आगे से जो भी मेरी प्रैक्टिस रहेगी मैं आपके सामने शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।